आज जो इतना जनसैलाब यहाँ पर आया हुआ है वो किस कारण से आए हुए हैं? देखिए सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि सरकार की तरफ से वो एक जो बदलाव आया है 2014 में बदलाव हुआ था 13 पॉइंट रोस्टर जो है, अब उसके अंदर क्या हुआ कि जो बहुजन समाज के लोगों को रोजगार मिल सकता था, यूनिवर्सिटी में टीचर्स लग सकते थे, उस पर एक तरफ ब्लॉक कर दिया गया। क्योंकि जब तक हम 13 पॉइंट रोस्टर को समझेंगे नहीं, बात की गहराई को नहीं समझेंगे कि किस प्रकार सरकार लगातार संवैधानिक अधिकार, संविधान के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। इन्होंने नया नियम जो रखा है उसमें पहले से लेके 3 नंबर तक अनारक्षित वर्ग को रख दिया, सामान्य वर्ग को। उसके बाद जो 4th नंबर है वहाँ पर रखा OBC को, यानी अगर 4th वैकेंसी निकलेगी तब OBC को मिलेगी। वहीं पे जब 7th वैकेंसी निकलेगी तो 7th नंबर पे आएगा SC का, और उसके बाद 14th नंबर जो होगा वो होगा ST का। अब इतनी वैकेंसी कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं निकालती। वो अगर यूनिवर्सिटी निकालती है तो 1 या 2 या 3, हद से ज़्यादा इतनी वैकेंसी निकालती है प्रोफेसर में। लेकिन अब इन्होंने ये नियम रख दिया कि जो नौकरी है पहली से, जो मैंने अभी डाटा बताया उस आधार पे क्या हुआ कि द्रोणाचार्य लगातार पैदा हो गए। वो चाहते हैं एकलव्य आगे बढ़े ही नहीं, ये जो इसमें हो रहा है। अब अंदाजा लगाइए जब वैकेंसी 2 से 3 निकलेंगी तो उसमें OBC के व्यक्ति की कब भर्ती होगी, उसके बाद SC वाले की भर्ती चली गई, और उसके बाद आपकी जो ST वाला की उसका तो नंबर ही नहीं आएगा। अंदाजा लगाइए भारतीय संविधान में 49.5% रिजर्वेशन दिया गया है हर चीज़ में, लेकिन इस नियम को लागू होने से सीधा इफेक्ट 30% पे आ जाता है। मतलब आप एक तरफ जो सवर्ण आरक्षणों से 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके साथ आप जो बहुजन समाज के जो रिजर्वेशन उसे आप एकदम ही कम खत्म कर रहे हैं कि 49.5% से आप सीधा कहाँ पर आ जाते हैं 30% पे। जो जबकि RTI की रिपोर्ट है कि जो वैकेंसीज हैं उसमें ये 0 के बराबर है, यानी कि अगर आप देखें OBC के प्रोफेसर में ही देखें OBC 0 है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर देखें वहाँ भी 0 है, वहीं पे SC और ST की थोड़ी सी संख्या आ जाती है, लेकिन जो 49.5% का जो रिजर्वेशन दिया जाता वो कभी भी पूरा नहीं हुआ, बैकलॉग कभी भरा ही नहीं गया। अब इस नियम को आने के बाद से वो दरवाजे जो अंदर यूनिवर्सिटी में जाने के थे वो एकदम बंद कर दिए गए। पहले बहुजनों के ऊपर कोई बात होती थी तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो लोग आते थे वो SC समाज से आते थे, लेकिन अब ST और OBC दोनों ही इसके अंदर जुड़ के बहुत जनसैलाब देखने में मिल रहा है। देखिए पहले क्या होता था कि पहले जब भी आंदोलन था SC समाज लगातार बाबा साहब को फॉलो कर रहा था, वो अंबेडकर राइट विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ था, वो अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था, इसलिए वो ज्यादा दिखता था। लेकिन इन्हीं अंबेडकरवादियों ने जब OBC समाज को बार बार ये बात बताई कि आप लोग उन मनुवादियों के प्यादे बन रहे हो और वो लोग आपका नाम लेके आपके अधिकारों को छीन रहे हैं और आपके जो अधिकार है वो खत्म कर रहे हैं, और जब ये बात OBC समाज लगातार समझने लगा तो OBC समाज भी खुलकर अपने अधिकारों के लिए। आपको लगता है कि अब OBC समाज जागे हैं? देखिए सर अभी मैं कहूँगा कि अभी तो SC भी पूरा नहीं जागा, OBC भी पूरा नहीं जागा, लेकिन हाँ ये बदलाव की तरफ एक सबसे बड़ा अहम पड़ाव है। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए SC OBC समाज जागा नहीं जागा? नहीं जागा है, बहुत तेजी से जागा है। मेरा सिर्फ कहने मतलब यह है कि जो अभी लग रहा था कि आने वाले 1-2 दशक बाद तेजी से बदलाव आएगा, उसके बाद बदलाव आए, लेकिन अब ये लगने लगा है कि हाँ अब बदलाव मुश्किल से 1-2 सालों में धीरे धीरे आने लगा है तेजी से। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।